नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं पकमक्रिएशन यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको ज़िंदगी और बंदगी से संबंधित हर तरह की वीडियोस मिलती रहती है। तो जैसे कि अभी हम हैं रास्ते पर और आपको थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा कि हम जो है लोटस टेम्पल देखने आए हैं। अभी चेहरे पर थोड़ा अंधेरा पड़ेगा कि सामने से लाइट आ रही है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और सब कुछ दिखाते हैं जितना हो सकता है। और पीछे हमारे जो है कालका जी मेट्रो स्टेशन था, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। चलो दिखाते हैं आगे। तो जिस रास्ते हम लोग चल रहे हैं ये कालका जी मेट्रो स्टेशन पर, जब भी आप आएंगे उसी के बहुत ही पास में है, वहाँ से रिक्शा या टेम्पो लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल दिखाते हैं 1.4 किलोमीटर, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, 500-600 मीटर चलने के बाद आपको इसकी बाउंड्री मिल जाएगी। हालांकि बाउंड्री के बाद आपको काफ़ी चलना होगा, अब 1.5 किलोमीटर तो आप चल ही सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं बाउंड्री के जस्ट किनारे ही चल रहा हूँ। ये आपको पार्किंग स्थल दिख रहा है यहाँ पे। बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जैसा कि हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं और आपको ये रहा काफ़ी दूर है, हालांकि अभी हम उसके पास चलेंगे, फिर आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक, अभी चलते हैं, रास्ते पर सफ़र करते हैं। We'll be right back.
यहाँ पे जब भी आप आएंगे आपको जूते और चप्पल निकालने होंगे, थैले में रखने होंगे अगर आप मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो। फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ क्योंकि इसकी लाइन जो है नीचे से लगती है। चलो पहले लाइन लगाते हैं। साथ ये रहा लोटस टेम्पल जिसे कि आप देखें, ये मेरे बैक साइड आप देख पा रहे होंगे आराम से, ठीक है। तो इसी के बारे में, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा चमक रही लाइट आ रही है इसलिए हम सामने से दिखा नहीं पा रहे, ठीक है। जैसे अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक आ जा रहा है। पीछे पूरी हरियाली आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, आप आसान देख रहे हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, अगर आप पूरा घूमना चाहें तो बहुत समय लग जाएगा, कम से कम आपके पास से 1 घंटे होने चाहिए पूरी तरह से घूमने के लिए। अगर आपके पास 1 घंटे नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा, या अगर आप जल्दी करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट तो आपको अंदर ही लग जाएंगे। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो जाइए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि माना जाता है कि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, ये बहाई धर्म के लोगों का कार्य है ये। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया अंदर, कि बहाई धर्म का जो उद्देश्य होता है सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना होता है, सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करना होता है, कभी किसी धर्म में भेदभाव करना नहीं होता, ये सब इनके अंदर होता है, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। और आप इसके अंदर लोटस टेम्पल के अंदर आपको अंदर कुछ मिलेगा नहीं, बस खाली कुल सारी चेयर लगे होंगी और लगभग सभी धर्मों के एक श्लोक पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं और सब कुछ हो गया लगभग, बहुत ही अच्छा ये हरियाली, निकलने के लिए दूसरा स्थान भी है देख सकते हैं। मैं सामने वाला कैमरा कर देता हूँ ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी ठीक है लगभग पी लेते हैं। तो
ठीक है, अब ये बाहर जाने का रास्ता, अब हम लोग चलते हैं बाहर क्योंकि सब लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉन्फिडेंस जनरेट होता है इससे, पता है। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो कि अगला वीडियो कहाँ पर बनाना चाहिए तो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक या दो दिन हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हूँ। किसी भी समय यहाँ से दूसरी जगह जा सकता हूँ जब भी ऐसी, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा कि और कौन सी जगह जाना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, अब चलते हैं बाहर, लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। अंत में यही कहूँगा कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा समय निकालिए और एक बार ज़रूर आइए। वैसे धूप काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रखते हैं हम, क्योंकि अब गेट पे एग्ज़िट करने का समय आ गया है। गेट नहीं करना है। वो देख पा रहे हैं, बहुत सारे जो विदेशी लोग आते हैं उनके ओला उबर वाले भी को बना देते हैं, हमें सभी को नहीं लेकिन ज़्यादातर को पास में होता है, उन्हें जानकारी नहीं होती और ज़्यादा पैसे ले लेते हैं यहाँ पे आने का। तो आप लोग सावधान रहें इस बात के लिए। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं बाहर, बाहर मतलब फिर से चले अपने मेट्रो स्टेशन। मुझे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो अब समय आ गया है वीडियो को यहीं पर अंत करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो घंटी आती है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा आपको मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई जगह सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। हालाँकि मेरे पास जैसा कि मैंने बताया कि अभी या कल एक या दो दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं है, या समय जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आप जितनी जल्दी वो कमेंट करके बता दीजिएगा, जो अगर मुझे समय मिलेगा तो वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया था और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आनंद और अनुभव लिया जाए, ठीक है। तो फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप देखते रहिए।